नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल बहुत ही टेस्टी लाजवाब आलू टिक्की, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 4 बॉयल किए हुए आलू लेंगे और इनको इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम गैस पर पैन रखेंगे और आधा कप पीनट लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पीनट ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इनको इस तरीके से दरदरा कूट लेंगे और फिर छिलके हटा देंगे। इससे टिक्की में बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगा। अब हम पीनट को आलू में डाल देंगे और साथ ही में 1/4 कप सिंघाड़े का आटा, आप इसकी जगह कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हाथों से क्रश करके डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स करके डो तैयार कर लिया है। ध्यान रहे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये बिना पानी डाले ऐसे ही बहुत अच्छे से डो बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पीस लेंगे और हथेली पर थोड़ा सा घी लगाकर गोल करेंगे और फिर हाथों से प्रेस करके इस तरीके से चपटा कर लेंगे। अब हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और जब घी गर्म हो जाए तब हम इसमें इस तरीके से टिक्की रख देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर शैलो फ्राई करेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पलट पलट कर इस तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। साइड से भी हम इन्हें इस तरीके से सेक लेंगे। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और सारी टिक्की इसी तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। अब हम इनको दही के साथ सर्व करेंगे और दही में डालेंगे थोड़ा सा सिंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये टिक्की बहुत ही टेस्टी, क्रंची और लाजवाब बनी है। आप इन्हें नवरात्रि में ज़रूर बनाइएगा। ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है, तो ज़रूर बनाइए, खाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।